माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पार्ट वन में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो मैंने एमसीक्यू के को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर इज बेस्ड ऑन TWT। ठीक है, बैकवर्ड वेव जो ऑसिलेटर होता है वो किस पे बेस होता है, TWT पे बेस होता है। ठीक है, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज एज अ पल्स डिवाइस। ठीक है, इसको हम पल्स डिवाइस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो पल्स डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मल्टी कैविटी क्रिस्ट्रॉन होते हैं और TWT होते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर जो होते हैं उसको हमें कूल रखना पड़ता है। अगर हम उसे कूल करते रहेंगे तो हमारा जो नॉइस परफॉर्मेंस होगा उसका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो रूबी मेज़र होता है उसे भी हमें कूल करना होता है। ठीक है, उसको भी हमें कूल करना होता है क्योंकि इट कैन नॉट बी यूज एट द रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे यूज़ नहीं होता है, इसलिए रूबी मेजर को हमें बार बार कूल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो सरफेस अकॉस्टिक वेव होती है वो किस में प्रोपोगेट करती है, क्वार्ट्स क्रिस्टल में प्रोपोगेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो ट्रैपिड डायोड होता है वो इम्पैक्ट डायोड से ज़्यादा बेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, ट्रैपिड डायोड की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है इसलिए ये यूज़ होता है। ठीक है, ओवर द इम्पैक्ट डायोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो रिम्पैक्ट डायोड होता है वो क्या करता है, हाई पल्स्ड पावर आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है, कौन सा, रिम्पैक्ट डायोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो गन डायोड होता है, इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट डायोड होता है, टनल डायोड होता है, तीनों ही क्या करते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। मतलब इसके ऑपरेशन में नेगेटिव रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, माइक्रोवेव डिटेक्टर और मिक्सर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है। अगर हमें माइक्रोवेव डिटेक्टर या मिक्सर बनाना होगा तो हम क्रिस्टल डायोड का यूज़ करते हैं, शॉर्ट की बैरियर डायोड का यूज़ कर सकते हैं और बैकवर्ड डायोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो लो पावर ऑसिलेटर में कौन सा डायोड यूज़ हो सकता है, टनल डायोड यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बल्क इफेक्ट कौन से में अकर्ड होता है, गैलेनियम आर्सेनाइड में ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन बर्क इफेक्ट अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर होता है उसकी जो गेन बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, गेन बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर एट विच बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर फॉल्स टू यूनिटी। मतलब बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर अगर यूनिटी हो जाएगा तो गेन बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर की डिफाइन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वैरेक्टर डायोड के बारे में, जो वैरेक्टर डायोड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन में यूज़ होता है और पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर को अगर हमको हाई फ्रिक्वेंसी में यूज़ करना हो, ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर को हाई फ्रिक्वेंसी में यूज़ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कलेक्टर वोल्टेज है वो बढ़ाना पड़ेगा, कलेक्टर करंट को बढ़ाना पड़ेगा और जो बेस होता है उसको बहुत ही थीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी भी ट्रांजिस्टर को इन माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज़ कर पाएंगे हाई फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्टेप रिकवरी डायोड क्या होता है, हाई ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, हाई ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो हम कौन सा डायोड यूज़ करेंगे, स्टेप रिकवरी डायोड। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू थे जो मैंने पॉइंट में कन्वर्ट करे हैं, पार्ट वन में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, और जो नेक्स्ट पॉइंट्स बचे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से। ठीक है, थैंक यू सो मच।